तो अब इसके गाइस अंदर हम ये हम देख सकते हैं, पर इसमें पास्ता एंड हम पिज्जा वाली है। हाँ इसकी जो ये चटनी होती है वो हम बताएंगे। एक पूरी ध्यान ये बंद कर लिए हैं, इसमें हम सॉस डाल रहे हैं। कौन सा ये देख सकते हो, ये वाला इधर डाल दिखाओ रहे हैं। ना, थोड़ा बस इतना काफी है ना। हाँ बस बस बहुत डाला। नीचे मत मत गिरा, आराम से कर, गिर रहा है क्योंकि इसको सूख। बंद कर दिया तो देखिए आप, हमने गैस को बंद कर दिया है। तो गाइज आप हमें बता सकते हो आपको हमें और ये जो पास्ता की रेसिपी है कैसी लगी। तो आज मैंने कुछ नया सोचा, नया बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं पास्ता बनाऊंगी, क्योंकि रोज नहीं दाल वगैरह खा खा के आप तंग आ गए हैं और बच्चे बोलने लगे कुछ नया हो जाए, तो इसलिए हमने ये पास्ता बना लिया। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा अगर देसी घी डालेंगे मत करो आप, अपनी ये तड़के बड़के मत लगाओ इधर पे, और टेस्ट और बढ़ जाएगा। कुछ नहीं भरते इसको, हिला कर इसको, ये जल रही है नीचे पे। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज एंड फूड। तो गाइज आज मैंने आपको नई रेसिपी दिखानी है मैक्रोनी की। ये आप देख सकते हो, ये मैक्रोनी है जो मैंने निकाले थोड़े से और वो डाले पानी में उबालने के लिए। देखिए मैंने पानी में उबाल दिया, ये देखिए पानी में थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल के, ये देखिए हमने इसको उबाल दिया। देखिए कोई 2 मिनट हमने इसको उबालना है, थोड़ा सा नरम हो जाए आप देख सकते हो। देखो हमने इसको उबाला, तो अब इसका हम पानी ये हम फेंक देंगे, उसके बाद इसको तेल में फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसके लिए जो है प्याज टमाटर और हरी मिर्ची हम काट रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए तो इसका पानी हम निकाल देंगे। ये देखो थोड़ा बॉयल पानी में थोड़ी देर के लिए हमने इसको रखा, पहले थोड़े 2-3 बॉयल आने दिए इसको पानी को, ये देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हम इसमें डाल रहे हैं ये मैक्रोनी, ताकि इसका पानी भी फिर से होगा दो दो इतना सब निकलने के बाद। मैं जब आगे लाऊंगी इसका पानी तभी निकलेगा, दे भर के हम। हाँ मैं जल रही हूँ मैं इसके भाप से। ये देखो इसका हमने सारा पानी निकाल दिया, ये थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डालेंगे को बंद कर। बस 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 फिर को तो उसको बंद, ठंडा ठंडा क्या देख सकते हैं, इसको हमने इसमें से निकाल दिया पानी को, पूरा निकाल दिया। ये देखो हम मूसा के लिए देखो ये क्या बना रहे हैं, देखो ये मूसा जो है हमें तंग कर। तो ये अब आप देख सकते हो फ्राई पैन में हम ये थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं बस। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले प्याज, नहीं नहीं इसको नहीं जरूरत होती, ये रिफाइन तेल को थोड़ी उबालना होती है। ये प्याज प्याज मिर्ची क्या क्या उठाना है, हम पहले प्याज को फ्राई करेंगे अच्छे से, पहले प्याज फिर जब प्याज ब्राउन होने लगेंगे फिर टमाटर डालना। तो ये मैंने प्याज इसमें डाल दिए हैं, ये देखिए मैं आपकी भी वीडियो खा दूंगी। तो पापा के मैंगो लाने गए हैं, अब थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाएंगे। ये मैक्रोनी हमारी तैयार है, ये हम प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे। तो ऐसे तो बीच में भी चला सकते थे, तो
लहसुन पकाना तो नहीं ज़्यादा पकाना किधर ब्राउनी शेड तो थोड़ी सी आने नहीं मैं से कौन इसको मैं कौन इसको ना मुसा चुप करो ये अब हम इसमें जो है ये टमाटर डालेंगे मिर्ची भी डालें मिर्ची को तो लास्ट में डालूंगी ये जब बनेगी फिर ऊपर से डालूंगी मिर्ची ये हमने इसमें मिर्ची भी डाल दी तो थोड़ी सी शेजवान की चटनी हम डालेंगे इसमें बस 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 मिर्चा नहीं खा पाएगा डालो वाला हल्दी डालने की मिट्टी डालने की नमक डालो इसी तरह मसाले मैगी के पैकेट डालेंगे नमक और डालेंगे थोड़ा नमक कम हो जाएगा तो थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी डालेंगे तेल जो है आ रही मैं उधर ही आ रही जादू के पास डाल बस ज़्यादा नहीं कमी पेशी होगी फिर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर को कलर आएगा बस करो यार ज्यादा थोड़ी जाए थोड़ी सी वाली चटनी भी डालूंगी डालो नहीं नहीं बाद में जब निकालूंगे बाहर थोड़ा सा अगर मसाले पे डालेंगे तो किसी तरह ये डालो मैगी का पैकेट कुछ मसाले डाल लें जी कैसे ना पकड़ो ये गरम मसाला डाल रहे हैं थोड़ा सा थोड़ी सी किशमिश के अच्छे पर त्रोट में तोड़ देते मिलाने में आएगा ना नमक टेस्ट किया था मैंने बहुत अच्छी बनी है तो ये जैसे कि अभी हमारा ये जो है तैयार होने वाला है थोड़ा सा इसमें हम जीरा पाउडर भी डालेंगे थोड़ा सा बस थोड़ा सा डाल इससे अच्छा होता है जीरा शीरा कोई खाते ही नहीं यार देख सकते हम है ना यम्मी थोड़ा सा लगेगा इसको थोड़ा सा नमक थोड़ा सा काम बस तो है मैं मैंने नमक थोड़ी डालना मैंने डाला था क्यों डाल रही हूँ चेक किया ना वो आप देख सकते हो बस ये हमारा तैयार होने वाला है ना मेरा ना कभी नमक हो गया ना मम्मा ये कहीं एक ही जगह होगा टेस्ट करो बहुत नमक इसमें मीठा डालेंगे ना चटनी आ रही हूँ मैं उधर ही आ रही हूँ मतलब तो बन गया है नहीं नहीं अभी तो नहीं सकती
देसी घी डालेंगे मत करो आप अपनी ये तड़के बड़के मत लगाओ देखो और टेस्ट और बढ़ जाएगा कुछ नहीं भरते इसको हिला सकते हैं ये जल रही है नीचे पे बहुत डाला गिर रहा है क्योंकि इसको सूख बंद कर दिया तो देखिए आप हमने गैस को बंद कर दिया है तो गाइज आप हमें बता सकते हैं आपको हमें ये जो पास्ता की रेसिपी है कैसी लगी तो आज मैंने कुछ नया सोचा नया बनाने के लिए तो इसलिए मैंने सोचा मैं पास्ता बनाऊंगी क्योंकि रोज नींद दाल वगैरह खा खा के अब तंग आ गए हैं और बच्चे बोलने लगे कुछ नया हो जाए तो इसलिए हमने ये पास्ता बना लिया तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।